वो लिखा है कि एक दिन ना महमूद गजनवी बादशाह वक्त जोश में आ गए। जोश में नहीं आया, आजमाइश करनी थी। उसने कहा महल के दरवाजे बंद कर दो, जो अंदर है अंदर ही रहे, जो बाहर है उसको अंदर नहीं आने दे। दरवाजे बंद कर दिए, कहा जो जो महल में है उस सबको मेरे दरबार में हाजिर कर दो। हाजिर कर दिए। वजीरे खजानों को कहा जितने मेरे खजाने में कीमती हीरे पड़े हैं ना, कीमती तरीन हीरे, सारे लाकर टेबल पे चंद दो, लगा दो कितार में। लगा दिए गए सारे दरबारी। महमूद गजनवी कहने लगे वो जेड़ा जेदे ते हाथ रखे ओदा, जेड़ा जेदे ते हाथ रखे हो ओदा। वो एक लोंडी भी थी, अर्ज करती हुजूर जरा फिक्रे पे गौर कर ले। आपने फरमाया जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। महमूद गजनवी जोश में आकर कहने लगे मैंने गौर करके बोला है जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। वो जनाब टूट पड़े सारे, किसी ने किसी हीरे पे रखा, किसी ने किसी हीरे पे रखा, किसी ने किसी हीरे पे रख दिया, हीरे पे रख दिया। वो जो लोंडी थी ना उसने आकर महमूद गजनवी पे रख दिया। महमूद गजनवी मुस्कुराकर कहने लगे वो किसी हीरे पे हाथ रख दिए, मुझ पे क्या रख दिया। वो कहने लगी अरे वो तो दीवाने थे, उन्होंने हीरे पे हाथ रख दिया, मैंने बड़ा फैसला किया है, मैंने हीरे वाले पे हाथ रख लिया। फैसला ही करना है हजरत, हीरे पे हाथ रखना है या हीरे वाले पे रखना है हजरत, फैसला ही करना है, कर लो। हीरे पे हाथ रखोगे अगर हीरे वाला मिल गया तो फिर सारा कुछ ही तुम्हारा हजरत। वो हकीम साहब फरमाया करते थे ना, वो कोई सन्यासी था तो सोना बनाने का नुस्खा था उसके पास। वो विजिट करता करता किसी गांव में गया, उसे कोई दीवाना था अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गुम सा। कपड़े तन पे फट चुके थे, सिर पे जड़ी पग पाई थी वो भी जगू जगू पड़ गई है, जगू जगू पड़ गई है। लोग आते थे दम करते थे, कोई पैसा नहीं। सन्यासी बड़ा खुश हुआ, ले भाई पहली बारी को अल्लाह वाला लग गया, उन्हें जी को खिदमत करनी चाहिए। उसने बाहर जाके ना कॉपी पेंसिल दी, जल्दी जल्दी सोना बनाने की तरकीब दी, लाकर बाबा जी को पेश कर दी। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे ओ भाई सन्यासी बाबे है कि हुजूर वेखो ना कपड़े पाट गए ने, परना भी पाट गए है, गुरबत ही गुरबत है भैया। सोना बनाने का नुस्खा है जिन्ना दिल करेगा बना। सुभान अल्लाह, उसको कुछ नहीं कहा, दिल नहीं तोड़ते अल्लाह वाले। मुस्कुराकर कहने लगे चल भाई अल्लाह तेरा भला करे, टाइम लगेगा तो बनावांगे। ए वेखा उत्ते कानिया की विरला है ना थोड़ी जी, जी जनाब ए नुस्खा विच साम दे बनावांगे असीं। वो दे के चला गया बड़ा खुश खुश। वो दो तीन साल बाद ना घूम के विजिट करता करता फिर उसी गांव में आ गया। जब आया तो ख्याल आया वो ऐसे जगह बाबे नूं सोना बनाने की तरकीब दी सी, बाबे ने तो हूं तक टणा दे लिहाज ना सोना बना लिया होना है। वो जब आया ना तो आकर देखा बाबा जी की ओ ही चुगी, अंदर गया तो ओ ही कुर्ता पाया था और पाट गया था, सिर ते ओ ही परना लपेटिया और लीरो लीरो हो गया था, पर नजर डाली तो नुस्खा भी अंदर ही। बड़ा गुस्सा लगा, दुनिया मानती फिरती है मैं देता नहीं, बाबे को दे दिया बाबे ने बनाया नहीं। खैर लोग बैठे थे बोला नहीं, जब लोग चले गए ना तो थोड़ा सा गुस्सा करके कहता हुजूर वो लोग नुस्खा मांगते हैं सोना बनाने की तरकीब, मैं देता नहीं, आपको दे दिया आपने बनाया नहीं। कहने लगे यार टाइम ही नहीं लगा, चल तू आ गया तो वही कुर्ता पाया था और पाट गया था, सिर ते वही परना लपेटिया और लीरो लीरो हो गया था, पर नजर डाली तो नुस्खा भी अंदर ही। बड़ा गुस्सा लगा, दुनिया मांगती फिरती है मैं देता नहीं, बाबे को दे दिया बाबे ने बनाया नहीं। खैर लोग बैठे थे बोला नहीं, जब लोग चले गए ना तो थोड़ा सा गुस्सा करके कहता हुजूर वो लोग नुस्खा मांगते हैं सोना बनाने की तरकीब, मैं देता नहीं, आपको दे दिया आपने बनाया नहीं। कहने लगे यार टाइम ही नहीं लगा, चल तू आ गए हैं तो उन बनाने हैं मिलते। जब आया ना मगरिब का वक्त करीब, उसको कहने लगे यार, उसको कहने लगे यार पेशाब भी आया है तो वजू भी करना है मगरब का, इकट्ठे ना चलिए नाले पेशाब कर लांगे नाले उतो खूह तो वजू करके ते आ जाएंगे, क्योंकि मगरब की जमात भी छेती खलो जाती। वो ले गए उसको बाहर, काफी ले गए। अब वहां बैठ गए, अभी सतर नहीं खोला, बैठ के ना उसको कहते हैं ओए सन्यासी बाबे आ वो मैं पेशाब करन दी ते बह गया वहां ते मिट्टी दियां टेमां ते चुकियां कोई नहीं। उसको कहने लगे यार पेशाब भी आया है ते वजू भी करना है मगरब का, इकट्ठे ना चलिए नाले पेशाब कर लांगे नाले उतो खूह तो वजू करके ते आ जाएंगे, क्योंकि मगरब की जमात भी छेती खलो जाती। वो ले गए उसको बाहर, काफी ले गए। अब वहां बैठ गए, अभी सतर नहीं खोला, बैठ के ना उसको कहते हैं ओए सन्यासी बाबे आ वो मैं पेशाब करन दी ते बह गया वहां ते मिट्टी दियां टेमां ते चुकियां कोई नहीं, ते बह गया वहां ते मिट्टी दियां टेमां ते चुकियां कोई नहीं, ते पाक किवें होना है।
ਇੱਥੇ ਢੇਮ ਨੇੜੇ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਢੇਮਾਂ ਤੇ ਫੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਅਬ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਥਾ ਨਾ ਵੋ ਮੱਟੀ ਕੇ ਠੇਲੇ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਨੀਚੇ, ਜਬ ਨੀਚੇ ਝੁਕਾ ਤੋ ਕਿਆ ਦੇਖਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਕੀ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁਆ, ਜਬ ਆਇਆ ਥਾ ਤੋ ਮੱਟੀ ਕੀ ਥੀ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਕੀ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਏ ਦੇਖਾ ਸੋਨੇ ਕੀ, ਬਾਏ ਦੇਖਾ ਸੋਨੇ ਕੀ, ਆਗੇ ਦੇਖਾ ਸੋਨੇ ਕੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਾ ਸੋਨੇ ਕੀ। ਅਭੀ ਹੈਰਾਨੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਥਾ, ਯੇ ਹੋ ਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਮਾਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਂਗੇ ਚੰਦ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਯੇ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਦੇਖਤੇ ਦੇਖਤੇ ਮੀਲੋ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਨੇ ਕੀ। ਅਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਥਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਰ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਜਮਾਤ ਖੰਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਟੇਮਾ, ਔਰ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬੱਟੀ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਨੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਕੀ ਤੀਨ ਡਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਤਨੀ ਆਪਕੀ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਯਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਸੇ ਸਤੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਉੱਠ ਕਰ ਫਰਮਾਨੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਲਈ ਹੋ ਲੋ ਦਿਲ ਰੁਬਾ ਸੇ ਗਰਜ਼ ਕਿਆ ਰਹੀ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਸੋਨੇ ਸੇ ਸਤੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਉੱਠ ਕਰ ਫਰਮਾਨੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਲਈ ਹੋ ਲੋ ਦਿਲ ਰੁਬਾ ਸੇ ਗਰਜ਼ ਕਿਆ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਸਿਵਾ ਸੇ। ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ।